तो ये है चिली गार्लिक कलेजी, हमेशा की तरह बहुत टेस्टी। और चलिए बनाते हैं। एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। नमस्कार दोस्तों, मैं शेफ लक्की, स्वागत है आपका हमारे हाई शेफ लक्की पे। तो आज दिन है नॉन वेजिटेरियंस का, तो आज हम उनके लिए बनाएंगे कलेजी की एक बहुत बढ़िया डिश। हम कलेजी को लेंगे, उसे फ्राई करेंगे, तो एक डिश बन जाएगी कलेजी फ्राई, और फिर उसी फ्राई कलेजी को हम बनाएंगे चिली में, बन जाएगी चिली कलेजी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ कलेजी तो हमारे पास आ गई है, पर कलेजी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत होती है स्मेल की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है उसमें कि स्मेल आती है बनने के बाद। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें कलेजी को पानी, विनेगर, लेमन जूस या यूज कर सकते हैं, उसमें आप इमर्स करके कुछ देर के लिए रखना है, सो दैट जो उसकी स्मेल है वो हट जाए। मैंने कुछ कश्मीर के शख्स के साथ भी काम किया है, वो लोग ओवरनाइट कलेजी को दूध में रखना भी प्रेफर करते रहे, तो वैसा भी कुछ तरीका होता है, हम इजी वाला तरीका अपनाते हैं। तो चलिए अपने जो कलेजी है इसको हम लेते हैं और इसको पानी और विनेगर का मिक्सचर बना के डाल देते हैं। लेमन जूस, विनेगर, जिंजर गार्लिक पेस्ट एंड वाटर। अब इस मिक्सचर को हम मिक्स करते हैं और इसे कम से कम आधे घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं, सो दैट जो इसकी जो एक पंजेंट स्मेल है वो चले जाए। और A few moments later. और इसको यहाँ पे रखे हुए आधा घंटा हो चुका है और ये बहुत बढ़िया हो गया। अब इसे हम करते हैं कट। अब हम कलेजी को काट लेते हैं। अगर उसके साथ हार्ट अटैच होकर के आया है तो उसके ऊपर की जो चर्बी वो हटानी है, और एक पतली सी झिल्ली होती है वो हटानी है। ये देखिए, ये जो झिल्ली है इसे हटा लेना है, कोशिश करें कि साफ करके ही लाएं। हमने अपने कलेजी को पानी से निकाल लिया, वॉश किया, कट कर लिया, कट करना मैंने आपको दिखा दिया। अब इसको करते हैं बेसिक मैरिनेट, उसके बाद करेंगे इसे फ्राई। तो ये चलिए आपको कलेजी का मैरिनेशन दिखा। जिंजर गार्लिक पेस्ट, रेड चिली पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा गरम मसाला और आखिरी आइटम सॉल्ट। ये हमने कलेजी को मैरिनेट कर लिया, थोड़ी देर के लिए रखना, बहुत ज्यादा नहीं, मुश्किल से 15 मिनट। उसके बाद इसको कॉर्नफ्लावर की हल्की सी कोटिंग देंगे और करेंगे फ्राई। और अब हम इसमें डालते हैं कॉर्नफ्लावर, बहुत ज्यादा नहीं डालना है, बस इतना डालना है कि छोटी सी कोटिंग आ जाए। अब आ रही आती है कलेजी को फ्राई करने के लिए, और उसके लिए हमें लेना है ऑयल। इसको शैलो फ्राई नहीं करेंगे, इसको डीप फ्राई करेंगे। जो लोग मेरे वीडियोस देखते हैं वो जानते हैं मैं शैलो फ्राई करना ही पसंद करता हूँ, मगर कलेजी को ना चाहती हूँ भी डीप फ्राई करने में मजा आता है, या तो इसे बेक करिए, वो भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। पर अभी हम आपको फ्राई की रेसिपी दिखाते हैं। कलेजी फ्राई करने के लिए हमने डाल दी है और उसे कवर करके फ्राई करना है, वरना आपका आवाज तो आई रही क्या होता है। कलेजी फ्राई करना थोड़ा सा तो होता है, बस होते हैं कुछ तो तेल उड़ सकते हैं, मगर नहीं, अब जो फ्राई कवर करके करना है बहुत जल्दी फ्राई हो जाते हैं। फ्राई हो चुके हैं, एक रेसिपी जो हमारी कंप्लीट होती है, इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल के इसे ऐसे भी खा सकते हो। और दूसरी रेसिपी आती है चिली कलेजी की, बहुत अपना सॉस वाला नहीं बना रहे, ड्राई बनाएंगे गार्लिक फ्लेवर देते हुए। चलिए यही बनाते हैं। तो तैयार है आपका चिली गार्लिक कलेजी और साथ ही साथ आपका फ्राई कलेजी, दोनों खाइए। और बनाने के बाद बताइएगा जरूर कैसे लगी आपको ये कलेजी फ्राई और चिली कलेजी की रेसिपी। बहुत ही सिंपल है, टॉप कर दीजिए इसे पार्सले से या कोरिएंडर से, साथ में दीजिए टमाटो केचप या बहुत बढ़िया सी एक जो पुदीने की चटनी होती है ये देखिए, इसके साथ रखिए और इसे परोसिए, और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए। तो आपके कलेजी की दोनों डिशेस हो चुके हैं तैयार, टेस्ट करिएगा बताइएगा। तब तक के लिए लव यू ऑल एंड गुड नाइट, मिलते हैं अगले वीक अगली रेसिपी के साथ, जो कि होगी वेज, अल्टरनेट वेज एंड नॉन वेज। बाय बाय।